हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गिट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे इसे सेटअप किया जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर IT से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जल्द ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, IT से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गिट को डाउनलोड करने के लिए हम अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे गिट डाउनलोड। सबसे पहला लिंक आएगा, हम उस पर क्लिक कर लेंगे, ये साइट खुल जाएगा। ये गिट का ऑफिशियल साइट है जहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए इस स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडो। ये ऑटोमेटिक आपका कौन सा ISO है, OS है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो हम सिंपली उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। और ये ऑप्शन पूछ रहा है आप कहाँ इसे डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इसी पथ पे करना चाहता हूँ, यस सेव। और ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो गिट का यूज क्या है? गिट हमें, हम कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उसका वर्जन कंट्रोल, यानी कि हमने आज ये किया उसको कमिट करके सेव किया, कल ये किया उसको कमिट करके सेव किया, तो गिट का यूज़ करने पे हमारा स्टेप बाय स्टेप जितना भी हम कमिट करते हैं, कमिट यानी कि क्या, उसका एक स्नैपशॉट गिट लेता है। गिट जो सॉफ्टवेयर है उसका एक स्नैपशॉट लेता है और उसे अलग से सेव करता है ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बैक वापस रिवर्स आ सके, वो पिछले वर्जन में आ सके। तो वर्जन कंट्रोल करने का काम गिट का होता है। तो वर्जन कंट्रोल भी हम करेंगे आगे, फिलहाल इस वीडियो में हम इसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और सेटअप करना सीख रहे हैं, आगे हम ये सब सीखेंगे। तो हमारा गिट डाउनलोड हो चुका है, सो इन फोल्डर करते हैं। ये आइकन दिखाया, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लाइक सभी सॉफ्टवेयर की तरह हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे। अभी ये मुझे यस में पूछ रहा है तो मैं यस बोलूँगा। और आपको अगर ये सारे एग्रीमेंट पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं तो आज तक इसे पढ़ा नहीं हूँ, ना मैं पढ़ूँगा। नेक्स्ट, तो आपको ये गिट को कहाँ, गिट फाइल को कहाँ स्टोर करना है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दूंगा। और ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें ये गिट कहाँ कहाँ चाहिए। ऑन द डेस्कटॉप पे चाहिए गिट हेयर, गिट GUI, गिट GUI तो कुछ काम नहीं है, हम इसे हटा देंगे। तो ये सब सच, तो हमने सिर्फ गिट SSH को हटाया और गिट ऑन डेस्कटॉप भी नहीं चाहिए, गिट बैश शेयर चाहिए, बाकी ये तीन चीज ये। तो हमें अपडेट नहीं करना है, ना हमें ये करना है, हमें सिंपली ये तीन चीज़ करना है जो कि एक्सटेंशन है गिट के और SSH की, जो हमें आगे काम आएगा उसके लिए ये सब। तो सिंपली हमें तीन टिक करना है और गिट बैश शेयर इस पर टिक करके नेक्स्ट करना है। और ये जो पूछता है वो किसके लिए, ये स्टार मेन्यू पे हमें दिखाने के लिए। तो ब्राउज करके उसका पथ को चेंज कर सकते हो, स्टार मेन्यू पे चाहिए तो। अगर आपको स्टार यहाँ आपको नहीं चाहिए, कि आप नहीं चाहते हो कि यहाँ रहे, तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, कि मुझे चाहिए इसलिए मैं।
use VM, get default editor. तो हम आने वाले वीडियो में गिट का विजुअल स्टूडियो के साथ यूज करने वाले हैं, इसलिए ये VM एडिटर मैं नहीं रखना चाहूंगा. तो मैं यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज अ गिट डिफॉल्ट एडिटर, इसको आने वाली वीडियो में हम गिट को विजुअल स्टूडियो के साथ सेटअप करेंगे, तो इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ. वो सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट मारेंगे. और तो डिफॉल्ट जो इसका ब्रांच है वो मास्टर ही यूज़ करता है, तो यही पूछ रहा है कि आपको मास्टर रखना है, यहाँ से आपको कुछ चेंज करना है. तो मैं ये डिफॉल्ट वाला मास्टर रहने दूंगा. गिट फ्रॉम कमांड लाइन आल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यस. क्योंकि हम गिट का विजुअल स्टूडियो कोड में भी यूज़ करने वाले, इसलिए हम ये सेलेक्ट करेंगे, ये थर्ड सेकेंड वाला ही. और इसे नेक्स्ट करेंगे. तो मैं बाय डिफॉल्ट जो है उसे रहन दूंगा. नेक्स्ट अभी कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे सवाल जवाब, इतना पहले नहीं पूछता था, पता नहीं कि इतना पूछ रहा है. तो जो भी पूछ रहा है आप ध्यान से वो सेटिंग देखिए और सेम आप वैसे ही कीजिए, आपका हो जाएगा. तो डेप्रिशिएटेड हो चुका है, ये नया कुछ निकला है, तो हम ये पहले ही वाला रहन देंगे. इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, इनेबल सिंबॉलिक लिंक, तो फर्स्ट वाले ही रहन देंगे. इनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर पी सीडो कंसोल, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पर बोल रहा है दिस अलो रनिंग नेटिव कंसोल प्रोग्राम लाइक अ नोड पाइथन इन अ गिट बैश विंडो विदाउट यूजिंग विनपेटी बट इज स्टिल has no bugs. तो जो भी ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करके हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे. इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. तो जैसा कि मैंने कहा, गिट का यूज वर्जन कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, मतलब जब जब हम काम करके उसे कमिट करके सेव करेंगे. कमिट करना तो स्नैपशॉट कहलाता है, तो उसका ये स्नैपशॉट ले लेता है. स्नैपशॉट का फिर वो कब यूज आता है, जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ काम हो तो हम वापस बैक जा सकते हैं, तो उसको वो सेव रखे रहते हैं. कभी भी हम पिछला वाला कोड देख सकते हैं कि ये दिन क्या हुआ था, ये दिन क्या हुआ था. बहुत काम की चीज़ है. तो मैं दोनों अनचेक करके फिनिश मारूंगा. आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो गिट का ऑप्शन दिखा रहा है और ओपन विद कोड का दिखा रहा है. वो जो विजुअल स्टूडियो से पहले वाले वीडियो में हमने किया था, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन दिखाना, अगर हम उसमें चेक नहीं करते तो ये नहीं दिखाता. सेम ऐसे गिट बैश शेयर किया. तो हमने सक्सेसफुली गिट को अपने सिस्टम में सेटअप कर लिया है. तो हम सर्च करेंगे गिट. अब देख सकते हैं कि ये गिट सीएमडी और गिट बैश है, तो हमें गिट बैश ओपन करना है. गिट बैश के सेम लिनक्स जैसे कमांड होते हैं, लाइक हमें लिनक्स जैसा, जिसे लिनक्स आता है वो गिट बैश भी कर सकता है और जिसे नहीं भी आता वो भी कर सकता है. ज़रूरी नहीं लिनक्स आना ज़रूरी है इसे, बस थोड़े बहुत कमांड है जो हम आने वाले वीडियो में सीख लेंगे. बस उतना ही अपना हमारे लिए ज़रूरी है. अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो तो और अच्छी बात है. तो कुछ ls वाले कमांड होते हैं, cd वाले कमांड होते हैं, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली गिट को अपने सिस्टम में सेटअप कर लिया है. तो ये एग्जिट करके मैं एग्जिट हो जाऊंगा. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.